अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्ट जेएस लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट्स। लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट्स की बेसिकली जो है फोर स्टेजेस हैं। फर्स्ट आती है इनिशियलाइजेशन, सेकंड माउंटिंग, थर्ड अपडेटिंग एंड लास्ट आती है अनमाउंटिंग। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनिशियलाइजेशन। ये जो है वो स्टेज है जिसपे आप कंपोनेंट जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं गिवन प्रॉप्स के साथ, डिफॉल्ट स्टेट के साथ। ये जो है वो डन कर रहा होता है कंस्ट्रक्टर कंपोनेंट क्लास के लिए, हम इसे यूज करते हैं। सेकेंड आती है माउंटिंग। माउंटिंग जो है वो एक स्टेज है जो रेंडरिंग कर रहा होता है, जेएसएक्स रिटर्न कर रहा होता है रेंडर मेथड इटसेल्फ से। और थर्ड आती है अपडेटिंग। अपडेटिंग जो है वो एक स्टेज है जिसमें आप स्टेट ऑफ कंपोनेंट जो है वो अपडेट कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे रीपेंटेड जो है वो कर रहे होते हैं। तो अनमाउंटेड ये जो है वो एक नेम सजेस्ट किया गया, अनमाउंटेड एक फाइनल स्टेप है कंपोनेंट का लाइफ साइकिल का, जो आप कंपोनेंट जो है वो कहाँ पे जो है वो कंपोनेंट पुट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं पेज से। तो यहाँ पे रिएक्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है डेवलपर को, जब आप सेट कर रहे होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन को, जब आप प्रेजेंट होते हैं इनवॉक अमाउंट स्पेसिफाई कर रहा होता है इवेंट को, लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट इज फोर स्टेजेस में। डेवलपर जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, ओवरराइड कर रहे होते हैं या फंक्शन को डिसायर कर रहे होते हैं, लॉजिक एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंगली। यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल पुट की गई है, डायग्राम पुट की गई है। यहाँ पे देखिये इनिशियलाइजेशन है, सेट कर रहे होते हैं प्रॉप्स को और इनिशियल स्टेज को कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर में। रिएक्ट मेथड और रिएक्ट डॉम मेथड पुट किया गया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। माउंटिंग है जिसमें कंपोनेंट विल माउंट पुट किया गया रेंडर, और कंपोनेंट जो है डिड माउंट मेथड है। उसके बाद जो है वो अपडेटियन है, फ्रॉम प्रॉप्स है और फ्रॉम स्टेट है। फ्रॉम प्रॉप्स है जिसमें कंपोनेंट जो है वो यहाँ पुट किया गया विल रिसीव प्रॉप्स है, शुड कंपोनेंट अपडेट है, और कंपोनेंट विल अपडेट रेंडर, और कंपोनेंट डिड अपडेट जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। डायग्राम जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो हम डिस्क्राइब करेंगे और इस जो है वो टोटल जो है वो आर्टिकल को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फंक्शन ऑफ ईच फेज ऑफ लाइफ साइकिल इनिशियलाइजेशन। फेज में जो है वो डेवलपर जो डिफाइन कर रहा होता है प्रॉप्स को और इनिशियल स्टेट को कंपोनेंट को, जनरली जो है वो डन कर रहे होते हैं कंस्ट्रक्टर कंपोनेंट में। और यहाँ पे फॉलोइंग कोड जो है वो पुट किया गया, स्नाइपर डिस्क्राइब कर रहा है इनिशियलाइजेशन प्रोसेस को, जावास्क्रिप्ट पुट किया गया, और यहाँ पे जो है वो पुट करना है जावास्क्रिप्ट। क्लास क्लॉक एक्सटेंड पुट किया गया, रेक्ट डॉट कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स, मल्टीपल कमेंट्स पुट किया गया, कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ मल्टीपल कमेंट्स पेरेंट क्लास रेक्ट डॉट कंपोनेंट, सुपर पुट किया गया प्रॉप्स, सेटिंग द इनिशियल स्टेट दिस स्टेट डेट पुट की गई है न्यू डेट के साथ। और यहाँ पे जो है वो सेकेंड आता है माउंटिंग। माउंटिंग जो है वो एक फेस है कंपोनेंट का लाइफ साइकिल का, जब आप इनिशियलाइजेशन कर रहे होते हैं कंपोनेंट की कंप्लीट, और कंपोनेंट जो है वो माउंट कर रहा होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पर, और रेंडर्ड कर रहा होता है फर्स्ट टाइम वेब पेज पर। तो रिएक्ट जो है फॉलो कर रहा होता है डिफॉल्ट प्रोसीजर को नेमिंग के साथ, कन्वेंशन के साथ, प्री डिफाइंड फंक्शन के साथ। जब आप फंक्शन जो आउटपुट कर रहे होते हैं विल रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और सम स्पेसिफिक फेस कर रहा होता है, डिड रिप्रेजेंट कर रहा होता है जब आप कंप्लीट कर रहे होते हैं फेस को। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट विल अमाउंट एंड कंपोनेंट डिड अमाउंट फंक्शन। ये जो इसकी टू टाइप्स है। फर्स्ट आती है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, नेम क्लियरली सजेस्ट किया गया, दिस फंक्शन में इनवोक किया गया राइट फॉर्म में, जब आप कंपोनेंट करने से पहले, कंपोनेंट जो आउटपुट करने से पहले, और माउंट जो आउटपुट किया गया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पर। एग्जांपल पुट की गई, ये फंक्शन जो है इनवोक कर रहा होता है बिफोर द रेंडर फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंड आता है डिड माउंट फंक्शन, सिमिलरली जो है वो प्रीवियस वन ऑफ दिस फंक्शन इज इनवोक राइट फ्रॉम आफ्टर द कंपोनेंट इज माउंटेड ऑन द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। एग्जाम्पल, दिस फंक्शन गेट इनवॉक वंस आफ्टर द रेंडर फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। थर्ड आता है अपडेटियन। रिएक्ट जो है वो एक जेएस लाइब्रेरी है जो हेल्प दे रहा होता है, क्रिएट कर रहा होता है एक्टिव वेब पेजेस को इजिली, और एक्टिव वेब पेजेस जो है आप स्पेसिफाई कर रहे होते हैं पेजेस को, बिहेव कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू देयर यूजर। एग्जाम्पल पुट की गई है, लेट जो पुट की गई सो गीक आईडी, और यहाँ ब्रेसेस पुट किया गया वेब पेज। वेब पेज जो है वो एक्ट कर रहा होता है डिफरेंटली यूजर के साथ, और यहाँ पे जो है वो यूजर एक लिख रहा होता है सम कोड को सी के साथ, जिसमें लाइट थीम यूज कर रहा होता है। अनदर यूजर जो है वो राइट कर रहा होता है पाइथन कोड को डार्क थीम के साथ, तो एट द सेम टाइम। तो डायनामिकली बिहेवियर जो है वो यहाँ पे पार्शियली पुट किया गया, डिपेंड कर रहा होता है यूजर के ऊपर जो आप क्रिएट कर रहे होते हैं, मेक कर रहे होते हैं वेब पेज के ऊपर एक्टिव वेब पेज में। तो यहाँ पे जो है वो आप पुट कर रहे होते हैं रिलेटेड पुट किया गया अपडेटियन। अपडेटियन जो है वो एक फेज है, और यहाँ पे स्टेट पुट की गई है प्रॉप्स की कंपोनेंट की, जो अपडेट कर रहा होता है, फॉलो कर रहा होता है यूजर इवेंट्स को, जब आप क्लिक कर रहे होते हैं, प्रेसिंग कर रहे होते हैं की को कीवर्ड कीबोर्ड से। तो यहाँ पे पुट किया गया कंपोनेंट, कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स। ये जो है प्रॉप्स एक्सक्लूसिव फंक्शन है जो इंडिपेंडेंट कर रहा होता है स्टेट पर, और ये फंक्शन जो है इनवोक कर रहा होता है जब आप माउंट कंपोनेंट को पुट करने से पहले, और ये आपको रिस्पॉन्स दे रहा होता है प्रॉप्स रीअसाइंड। ये फंक्शन जो है वो आप पास कर सकते हैं न्यू सेट प्रॉप्स से,
और ये जो है वो आपको आइडेंटिफाई कर रहा होता है, आइडेंटिकल कर रहा होता है, नहीं भी कर रहा होता रीजनल क्रॉप से, तो आप चेक कर सकते हैं ये जो है मैंडेटरी स्टेप है और नॉट है। यहाँ पे जो है एग्जाम्पल पुट की गई, जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स, न्यू प्रॉप्स पुट किया गया, और इफ दिस प्रॉप्स न्यू प्रॉप्स कंसल डॉट लॉग न्यू प्रॉप्स हैव बीन असाइन यूज दिस सेट स्टेट टू रेंडर द पेज। इसके बाद बात करते हैं सेट स्टेट फंक्शन। ये जो है वो एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल फंक्शन नहीं होता, और ये जो है वो यूज कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं स्टेट ऑफ कंपोनेंट को। ये रिफर किया गया इस आर्टिकल में, हम जो है डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। शुड कंपोनेंट अपडेट फंक्शन, बाय डिफॉल्ट हर स्टेट जो है वो हर प्रॉप्स अपडेट कर रहा होता है, रिरेंडर कर रहा होता है पेज को, और जिसको आप अलो नहीं कर रहे होते, डिजायर नहीं कर रहे होते आउटकम को, और यहाँ पे सम टाइम जो है वो डिसाइड कर रहा होता है, डिजायर कर रहे होते हैं हम अपडेटिंग को पेज को, जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो रहा होता हमें रिपेंडेंट में। तो शुड कंपोनेंट जो है वो अपडेट फंक्शन ये फुलफिल कर रहा होता है रिक्वायरमेंट को, जिसमें लेटिंग रिएक्ट जो है वो बता रहा होता है आपके कंपोनेंट जो है वो आपने आउटपुट पुट किया गया अफेक्टेड है और अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा, और ये शुड कंपोनेंट जो है आपको बता रहा होता है। तो यहाँ पे जो है वो हम एग्जाम्पल जो है पुट की गई है, जिसमें यहाँ पे कंपोनेंट पुट किया गया, कंपोनेंट विल अपडेट फंक्शन, ये जो है वो नेम क्लियरली सजेस्ट कर रहा होता है, ये फंक्शन जो है वो इन्वोक कर रहा होता है कंपोनेंट से पहले रेंडर्ड है कि नहीं, और ये फंक्शन गेट इन्वोक वंस बिफोर द रेंडर फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द अपडेटिंग ऑफ स्टेट और प्रॉप्स। कंपोनेंट विद डिड अपडेट फंक्शन, सिमिलरली ये फंक्शन जो है इन्वोक कर रहा होता है कंपोनेंट, सेम प्रोसीजर पुट किया गया। उसके बाद लास्ट हम डिस्कस करते हैं अनमाउंटिंग, ये जो है वो फाइनल फेज है, फाइनल स्टेज है लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट की, और ये जो है फेज जो है वो अनमाउंटिंग है कंपोनेंट से डॉम से, और यहाँ पे फॉलोइंग फंक्शन पुट किया गया जो रोल प्ले कर रहा है। कंपोनेंट विल अनमाउंट फंक्शन, ये फंक्शन जो है वो इन्वोक्ड है और बिफोर द कंपोनेंट इज फाइनली अनमाउंटेड फ्रॉम द डॉम, एग्जाम्पल दिस फंक्शन गेट इन्वोक्ड वंस बिफोर द कंपोनेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द पेज एंड दिस डिनोट्स द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल। यहाँ पे एग्जाम्पल पुट की गई है, हम क्रिएट कर रहे हैं फर्स्ट जो है वो क्रिएट करना है अपने रिएक्ट ऐप को, एडिट कर रहे हैं इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को सोर्स फोल्डर से, इंडेक्स सोर्स पुट किया गया इंडेक्स डॉट जेएस फाइल, जावास्क्रिप्ट इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इम्पोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम, क्लास टेस्ट एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स पुट किया गया सुपर प्रॉप, दिस स्टेट इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड पुट किया गया, कंपोनेंट विल अमाउंट पुट किया गया, कंसल डॉट लॉग कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट डिड अमाउंट माउंट पुट किया गया, माउंट पुट किया गया कंसल डॉट लॉग कंपोनेंट डिड अमाउंट जो है पुट किया गया मेथड। इसके बाद चेंज स्टेट है दिस सेट स्टेट हेलो गीक्स और एंडर रिटर्न पुट किया गया डिवीजन, यहाँ पे हेडिंग वन ओपनिंग क्लोजिंग टैग रिप्रेजेंट करना है हेलो दिस स्टेट, और यहाँ पे हेडिंग टू ओपनिंग टैग है ए वन ऑन क्लिक पुट किया गया दिस चेंज स्टेट डॉट बाइंड दिस प्रेस हियर अल्फा, यहाँ पे एंकर जो है क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट, एंकर टैग से रिप्रेजेंट किया गया हेडिंग टू डिवीजन जो है क्लोजिंग टैग। शुड कंपोनेंट अपडेट नेक्स्ट प्रॉप्स नेक्स्ट स्टेज कंसल डॉट लॉग शुड कंपोनेंट अपडेट रिटर्न ट्रू पुट किया गया, और यहाँ पे कंपोनेंट विल अपडेट पुट किया गया कंसल डॉट लॉग कंपोनेंट विल अपडेट कंपोनेंट डिड अपडेट कंसल डॉट लॉग कंपोनेंट डिड अपडेट जो है पुट किया गया। उसके बाद रिएक्ट डॉट रेंडर पुट किया गया टेस्ट क्लोजिंग टैग द डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आउटपुट जो है हम देखें गीक्स फॉर गीक हेलो वर्ल्ड प्रेस हियर का बटन जो है इसमें ऐड किया गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एवरीवन।